Hi everybody. Today we are going to discuss about the chicken pox. इसको छोटी चेचक भी कहते हैं। गांव के अंदर या आम जबान में इसको छोटी माता भी कहते हैं। ये एक वायरस का इन्फेक्शन होता है। वेरिसेला जॉस्टर वायरस नाम का वायरस होता है, जिसका इन्फेक्शन जो है वो आपका बॉडी के ऊपर होता है। तो उससे बॉडी पर क्या होगा कि बॉडी पर पहले रेशिस से पड़ते हैं, यानी कि लाल लाल चकत्ते से होंगे, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे पिंपल्स की तरह के दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाल रंग के छोटे छोटे दाने से होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं आपका पस्टूल्स में, यानी कि छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे जो है छालों की शक्ल में जो है वो अपीयर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सुबह के वक्त गुलाब के फूल की पत्तियों के ऊपर शबनम पड़ी हुई होती है, ओस पड़ी हुई होती है, ओस की बूंदें पड़ी हुई होती हैं, तो बिल्कुल उनकी बूंदों की तरह से आपका ये अपीयर होते हैं ब्लिस्टर्स की शक्ल में। फिर उसके बाद वो ब्लिस्टर्स जो है जो स्किन पर इस तरह के रेशेज पड़ते हैं या दाने से पड़ते हैं या आगे जो है ब्लिस्टर्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं, उनमें बहुत सीवियर जो है आपका इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली उसके अंदर जो है वो पेशेंट को महसूस होती है और पेशेंट के सर में दर्द रहता है और जो है पेशेंट अपने आप बहुत ज्यादा थकान जो है महसूस करता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, लो ग्रेड फीवर होगा, सबसे पहले क्या होगा रैशेज पड़ेंगे, लाल से रैशेज पड़ेंगे, फिर वो इची पेप्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि छोटे छोटे दानों में, लाल रंग के छोटे छोटे दानों में जैसे पिंपल्स होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जो है वो आपका पस्टूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर जो है थिन वॉल्ड जो है ब्लिस्टर्स छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, उसके बाद इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसके बाद जो है वहां पर लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं और ये जब हील हो जाते हैं यानी कि कंप्लीशन के बाद, यानी कि जब ठीक हो जाते हैं तो ठीक होने के बाद या तो स्कार नहीं होगा यानी कि कोई निशान नहीं रहता या हल्का सा कोई जो है पिगमेंटेशन, हल्का सा निशान जो है, हल्के से डिप्रेस्ड जो है वो स्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, मोस्टली तो ये होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं या वहां का कलर फेड हो जाता है, काला काला सा धब्बा जो है वो छोड़ जाता है। तो ये ठीक होने के बाद में हाइपोपिगमेंटेशन, यानी कि वहां का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, हल्का सा अलग होता है, कभी कभी मुंह के अंदर भी, ओरल कैविटी के अंदर भी ये छाले देखने को मिलते हैं। साइट्स देखिए, कौन सी साइट्स होती हैं, कहां पर ये ज्यादा मिलते हैं। देखिए खास तौर से ये इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं, इसके जो छाले से होते हैं, वो आपका कवर्ड एरिया ऑफ द ट्रंक, इस एरिया पर, ट्रंक पर ज्यादा देखने को मिलते हैं और चेहरे पर और हाथों पैरों पर जो है वो बहुत कम, हल्का यानी कि कम देखने को मिलते हैं, ओरल कैविटी के अंदर भी ये मिल सकते हैं। तो ये इनकी साइट्स होती हैं जहां पर जो है ये इस तरह के ब्लिस्टर्स जो है वो आपका देखने को मिलते हैं, लेकिन एडल्ट्स के अंदर मोर सीवियर होता है। एडल्ट्स में जब ये अपीयर होता है तो ये ज्यादा खतरनाक होता है और स्कार भी बहुत ज्यादा छोड़ जाते हैं, यानी कि जख्म के उसके निशान जो है वो स्किन के ऊपर ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं, देखिए ट्रीटमेंट इसका बच्चों के अंदर या माइल्ड केसेस में, माइल्ड केसेस में क्या होता है कि हम खास तौर से ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो ईचिंग को खत्म करे, बॉडी के अंदर ठंडक पैदा करे, तो उसमें हम कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन पर लगाने के लिए और एंटी हिस्टामिन जो है हम आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन एडल्ट के अंदर जो है, एडल्ट के अंदर हम एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो आपका देंगे, जैसे एसाइक्लोविर जो है आपका, एसाइक्लोविर 800 mg 5 times a day, एक दिन में 5 बार और तकरीबन 7 से 10 दिन तक हम इसको इस्तेमाल कराते हैं एडल्ट के केसेस में। या इसके अलावा फेमसीक्लोविर भी हम इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं 250 mg TDS इंटू 7 to 10 days में जो है आपका हम उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। देखिए ट्रीटमेंट करते वक्त, चाहे वो माइल्ड केसेस हो या सीवियर केसेस हो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग बता रहा हूं, हमदर्द कंपनी की, एक खमीरा मरवारीद के नाम से, खमीरा मरवारीद के नाम से एक चटनी जैसी दवाई आती है जो इंप्रूव करती है आपकी इम्यूनिटी को, क्योंकि ये जो डिजीज है ये ज्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब इंसान की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इम्यूनिटी लेस हो जाती है या इम्यून सिस्टम जो है वो आपका वीक पड़ जाता है, उसी वक्त इन वायरस का इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर
एकदम से होता है या तेजी के साथ जो है वो बॉडी के ऊपर अपीयर होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे हमें ड्रग्स, ऐसी हमें जो है आपका फ्रूट्स, ऐसे फूड्स या ऐसी दवाइयां लेनी चाहिए जिससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो। तो इसमें सबसे बेहतरीन रोल जो है आपका हमदर्द की, एक दवाई आती है हमदर्द कंपनी की जिसको हम खमीरा मरवारीद कहते हैं, इसको आप जो है चटनी जैसी होती है, मीठी होती है, इसको आप पेशेंट को दिन में कम से कम 4-5 मरतबा ऐसे उंगली में लीजिए और चटाते रहिए, उंगली में लीजिए चटाते रहिए। उससे क्या होगा, बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है वो इंक्रीज होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है खमीरा मरवारीद। इसको आम जो लोग हैं वो मोतिया खमीरा भी कहते हैं या सच्चे मोती का खमीरा भी कहते हैं इसको, लेकिन खमीरा मरवारीद के नाम से आपको मार्केट में हमदर्द कंपनी का आसानी से मिल जाएगा। एक सवाल आता है कि क्या जब चिकन पॉक्स हो या छोटी माता अगर निकली हुई हो तो क्या उस टाइम पेशेंट को नहलाना चाहिए या नहला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो स्प्रेड तो नहीं होगा? यस, नहला सकते हैं। नहलाने से और अच्छी तरह से बॉडी जो है आपकी हाइड्रेट होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, ये इन्फेक्शन फैलेगा नहीं और पसीना वगैरह अगर है तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पसीना अगर इंसान को आ रहा है तो उस सूरत में जो है इसके फैलने का खतरा रहता है। तो आप इजीली इंसान को नहला सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चिकन पॉक्स के केसेस में आप आराम से उसको नहला सकते हैं। एक सवाल आता है, कि व्हाट शुड टू ईट, चिकन पॉक्स के पेशेंट को क्या खाना चाहिए। देखिए, चिकन पॉक्स के पेशेंट को हमेशा वो डाइट दी जाए जिससे इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती हो। इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी तो इस बीमारी का इफेक्ट ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। तो इसमें आप जो है पेशेंट को मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, ताजे फल और पानी की ज्यादती रखिए। पानी की ज्यादती रखने से क्या होगा कि स्किन जो है वो हाइड्रेट होती रहेगी, उसमें से ड्राइनेस नहीं आएगा, तो वो आपका हाइड्रेट होती रहेगी। और उसके साथ साथ बटर भी आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं, फ्रूट के तौर पे आप उसको एप्पल दे सकते हैं, आपका कीवी दे सकते हैं और स्ट्रॉबेरी दे सकते हैं। तो ये बेस्ट फ्रूट्स होते हैं खाने के लिए, किसके अंदर, आपका चिकन पॉक्स की बीमारी के अंदर। व्हाट शुड अवॉइड, यानी कि जो चिकन पॉक्स के पेशेंट है उसमें किस चीजों का परहेज कराना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसको नहीं देनी चाहिए। देखिए, ऐसे सब्सटेंस नहीं देने चाहिए जो इचिंग को बढ़ावा देते हैं और खुजली को बढ़ावा देते हैं, जैसे आपका स्पाइसी फूड, साल्टी फूड यानी कि तेज नमक मिर्च मसाले, और आपका एसिडिक फूड और आपका क्रंची फूड, ये आपका इरिटेशन को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए चिकन पॉक्स के पेशेंट में ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। एक सवाल आता है कि क्या चिकन पॉक्स के पेशेंट को एसी रूम में सुला सकते हैं। यस, सुला सकते हैं, बल्कि उससे फायदा होगा क्योंकि पेशेंट को पसीना नहीं आएगा, तो पसीने के जरिए वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो जब पसीना नहीं आएगा तो पेशेंट जो है वो सुकून से रहेगा, उसकी जो इचिंग है वो काम रहेगी, शांत रहेगी। तो ऐसे पेशेंट को आप एसी रूम में सुला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। सवाल आता है, कैन यूज कोकोनट ऑयल, क्या नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप उसकी स्किन के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटल हाथों से, बहुत मतलब धीरे धीरे जो है हल्के हाथों से जो है उसको लगाना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि ठीक होने के बाद वहां पर स्कार पैदा नहीं होगा, यानी कि जख्म का निशान या उसके निशानात जो है वो आपका बाकी नहीं रहेंगे। तो कैन कर्ड यूज फॉर इट, क्या चिकन पॉक्स के पेशेंट में दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, ये बेस्ट स्किन हीलर होती है। तो इसलिए आप जो है यानी कि जख्म को बहुत जल्दी भरने वाले होते, तो आप चिकन पॉक्स के पेशेंट को दही खिला सकते हैं आसानी से। शुड यू क्वारंटाइन, कि क्या ऐसी हालत में पेशेंट को अलहदा रखा जाए? देखिए, कोशिश तो ये करिए कि उसको अलग रखा जाए, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है, थोड़ा सा बस कांटेक्ट से बचे, दूसरे से कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचे।
तो क्वारंटाइन मतलब बिल्कुल अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन सेपरेसी रखें तो ज्यादा बेहतर है, अच्छा रहेगा कि वो स्टे होम घर पे रहे, धूप में ज्यादा नहीं निकले क्योंकि धूप से ईचिंग पैदा होगी और ज्यादा परेशानी होगी, तो इसलिए उसको घर में रखें आराम से। उसके कपड़े वगैरह जो है पेशेंट के वो थोड़ा सा अवॉइड करें, कोई दूसरा इस्तेमाल ना करें, उसका बेडिंग इस्तेमाल ना करें, उसके टॉवल इस्तेमाल ना करें, और खास तौर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी के संपर्क में ना आए, उससे उनमें इंफेक्शन आसानी से स्प्रेड हो सकता है। कैन इट डेवलप इन वैक्सीनेटेड पर्सन, क्या ये किसी ऐसे पर्सन में भी हो सकता है जो ऑलरेडी वैक्सीन लिया हुआ हो? देखिए, हो तो सकता है, लेकिन अगर होगा तो उसका इफेक्ट वेरी लेस, बहुत कम होगा और वो बहुत कम फैलने वाला बीमारी होगी बमुकाबले किनके जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो वैक्सीनेटेड पर्सन में भी हो सकता है, वेरी रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि उनमें हो, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा। उनमें इफेक्ट ज्यादा होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, उनके अंदर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो यह था आज हमारा टॉपिक चिकन पॉक्स, चेचक या छोटी माता। ये टॉपिक या लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।